हेलो फ्रेंड्स, नीलम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं लहसुनी पनीर। ये देखने में जितना क्रीमी होता है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। मैंने इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, आप देखेंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना रुके इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। लहसुनी पनीर बनाने के लिए सबसे पहले पैन को गरम करेंगे। जैसे ही पैन गरम होता है, हम इसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गरम होते ही एक चम्मच जीरा डाल देंगे। ये मैंने दो तेज पत्ता लिए हैं, इनको इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। एक इंच के लगभग दालचीनी डाल देंगे। एक बड़ी इलायची ली है, इलायची के इस तरह से बीज निकाल कर डाल देंगे। दो हरी इलायची डाल देंगे। 6-7 लहसुन की कलियां डाल देंगे। 2 चॉप की हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। 2 इंच के लगभग अदरक डाल देंगे, अदरक को भी हल्का सा भून लेंगे। ये सभी चीज़ें हल्की सी भुन गई हैं तो अब हम इसमें 2 मीडियम साइज की चॉप की हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। जैसे ही प्याज हल्की सी भुन जाए तो हम इसमें 10-12 काजू डाल देंगे। काजू को प्याज के साथ हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें 3 मीडियम साइज के चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। जैसे ही टमाटर हल्के से पक जाएं तब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। मसालों को हल्का सा भून लेंगे। हमने इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है, इसलिए फ्रेंड्स आप मिर्च अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे, मिला देंगे। लिड से कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाएं। थोड़ी देर बाद लिड को हटाकर चेक करेंगे तो ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। हम टमाटर को इस तरह से प्रेस करके चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अच्छे से गल चुके हैं। इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इस मिश्रण को हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब हम इस मिश्रण को मिक्सर जार में डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मैंने इस मिश्रण को मिक्सर जार में डाल दिया है, अगर आप ज़रूरत समझें तो थोड़ा सा पानी डाल दें। ये देखिए इस तरह से हमें इसका स्मूथ पेस्ट बना लेना है। अब हम इस पेस्ट को स्टेनर में डालकर छान लेंगे। ये जो पेस्ट है स्टेनर में डाल देंगे और इस तरह से इसे छान लेंगे। इस मिश्रण को छानने के बाद इसका जो मोटा मोटा मसाला है इसको हम हटा देंगे। तो
तो ये देखिए हमारी ग्रेवी के लिए बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की ओर। मैंने यहाँ पर कढ़ाई गरम होने के लिए रख दी है। कढ़ाई के गरम होते ही हम इसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे। तेल के गरम होते ही एक चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को हल्का सा भून लेंगे। जैसे ही जीरा हल्के से भुन जाते हैं हम इसमें एक चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और ये दो छोटी चम्मच के लगभग एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होता है हम इसमें एक बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हल्का सा ब्राउन कलर होने तक भून लेंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से भुन गई है। अब हमने जो पेस्ट बनाकर तैयार किया है इसमें डाल देंगे और इस पेस्ट को लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये हमारा मसाला हल्का सा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें आधा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। एक चम्मच कसूरी मेथी, मेथी को हम इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप ध्यान से डालिएगा क्योंकि हमने ग्रेवी में भी नमक डाला है। दो चम्मच फिटा हुआ दही डाल देंगे। दही को मैंने चम्मच से अच्छे से फेंट लिया था। इन सभी चीज़ों को ग्रेवी में अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी को भी इसमें अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा इस तरह से ग्रेट किया हुआ पनीर डाल देंगे। इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। तो इस तरह से हम पनीर को ग्रेट करके डाल देंगे। पनीर को ग्रेवी में अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें पनीर क्यूब्स डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर लिया है और पनीर को इस तरह से पीसेस में काट लिया है। पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपको ग्रेवी थिक लग रही हो तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। मुझे ये ग्रेवी हल्की सी थिक लग रही थी तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी डाल दिया है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से पतली या गाढ़ी रख सकते हैं। मुझे ये ग्रेवी एकदम परफेक्ट लग रही है। इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डाल देंगे। आप चाहें तो मलाई भी डाल सकते हैं। आप मलाई को चम्मच से अच्छे से फेंट लीजिए और इसके ऊपर डाल दीजिए। मलाई को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम पनीर को थोड़ा और फ्लेवरफुल बनाने के लिए छोटे छोटे दो पीसेस बटर के डाल देंगे। यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बटर को अच्छे से मिला देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। धनिया को पनीर में अच्छे से मिला देंगे। ये हमारा बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी लहसुनी पनीर बनकर रेडी है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व कर लेते हैं। आप इस पनीर को पूड़ी, पराठा, रोटी, चावल, नान किसी के भी साथ खाइए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है।
तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको पसंद आएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये पनीर कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।